टू द नेक्स्ट थिंग, हाइड्रो डिप्लोमेसी. हाइड्रो डिप्लोमेसी इज सिंपली द डिप्लोमेसी, द डायलॉग ओवर द वाटर रिलेटेड इशूज बिटवीन द कंट्रीज. ओके, सो फर्स्ट विल बी 55 ट्रांसबाउंडरी रिवर. ये तो अब रट ही गया होगा कि हाँ, मोर देन 50 वी आर शेयरिंग द रिवर्स विद बांग्लादेश एंड स्पेशली द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रीजन. ओके, एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रोलॉजिकल रीजन आफ्टर अमेजन इन टर्म्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज. सो इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ओके, देन वी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव द जॉइंट रिवर कमीशन विद द बांग्लादेश विच हेल्प्स इन सर्वेज एंड रिसर्च. सो 1972 में जब हम लोग की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, तभी हम लोग ने JRC बना लिया गया था, है ना. और दिस फरक्का बराज डिस्प्यूट, देर वॉज सम वाटर फ्रॉम गंगा विच नीडेड टू बी डाइवर्टेड टू द हुगली स्ट्रीम टू डिसिल्ट द कोलकाता रिवर प्राइन पोर्ट. सो दैट वॉज द फरक्का बराज इशू. वॉट हैपेंड वॉज दैट दिस वॉज द फरक्का बैराज. बैराज इज लाइक एनी पुल और द डैम, अ स्मॉल डैम. ओके, सो दिस वॉज द फरक्का बैराज एंड इट वॉज मेड सो दैट वी कैन डाइवर्ट सम वाटर ऑफ द गंगा टूवर्ड्स द हुगली एंड डीसिल्ट. डीसिल्ट जो मिट्टी भरती चली जा रही थी रिवराइन पोर्ट में, कोलकाता रिवराइन पोर्ट में, दिस इज द पोर्ट. तो अगर ज़्यादा मिट्टी भर जाएगी तो वहाँ का पोर्ट डीस्टेबलाइज हो जाएगा एंड इट विल नेवर रिमेन अ पोर्ट. क्योंकि पोर्ट के लिए एक लेवल ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी, है ना, एक लेवल ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी, तभी तो उसके ऊपर शिप बैठेगी. और अगर लैंड, अगर कम वाटर होगा तो शिप तो मतलब तैर ही नहीं पाएगी. इट विल नेवर बी एबल टू डॉक नियर द सिल्टेड रीजन. तो देर मस्ट बी सम टाइप ऑफ डेप्थ. ओके, डेप्थ होनी चाहिए और डेप्थ कम हो जाएगी अगर सिल्टेशन होगा. सो दैट वॉज द इशू. तो इशू ये हो गया था कि अगर आप ये कर रहे हो तो गंगा का जो पानी है, एज आई टोल्ड यू द गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रीजन, अब गंगा का पानी अगर यूज़ करने लगेंगे हम लोग एंड इफ़ वी बिल्ड हेयर, सो देयर विल बी लेस वाटर हेयर, है ना. और जब लेस वाटर होगा तो बांग्लादेश ऑफकोर्स इट विल रेज द डिस्प्यूट कि हमारे पास पानी कम आ रहा है बिकॉज यू हैव बिल्ड द बैराज और अ स्मॉल डैम देयर. सो 1977 में इसका अग्रीमेंट हुआ था. 1996 में गैंजेस वाटर अग्रीमेंट 30 ईयर्स के लिए. 30 ईयर्स का मतलब है 2026 तक के लिए. सो दैट वॉज द इशू एंड दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द गुजराल डॉक्ट्रिन. इन द फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू द गुजराल डॉक्ट्रिन विच इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस और नॉन रेसिप्रोसिटी कि आप जो कर रहे हैं आपको, मतलब हम जो, देर इज़ नो गिव एंड टेक. आप जो, आपके लिए जो हम कर रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप भी हमारे लिए करें. हम अपने, बिकॉज वी आर द एल्डर वन, वी आर द बिगर वन, वी आर द अपर रिपेरियन स्टेट, सो वी विल यूनिलैटरली डू दिस उपकार. ओके, सो द गैंजेस वाटर अग्रीमेंट वॉज देयर फॉर 30 ईयर्स एंड वी resolved that. Okay, this was resolved, फरक्का बैराज dispute was resolved, but new issue started, that was the Teesta river issue. Okay, so as I have made here that Teesta originates in Sikkim and it goes from Bengal to Bangladesh and it meets with the Brahmaputra river, you know, और यहाँ से the Ganges is coming. Okay, तो इसमें the issue was that in 1983 there was an agreement, but it was not fruitful for Bangladesh because Bangladesh wanted 50% of it, but according to the agreement this was the partition which was done in the river water ki 36% jo jayega wo Bangladesh ke paas jayega and 39% will remain with India and rest is still unallocated. So but Bangladesh ko chahiye tha 50%, so it is dissatisfactory towards the Bangladesh people. And due to activities like industrialization, urbanization, there has been increasing demand for water and water supply is less. So that's why everybody wants water. Na? So, we also thought that the third world war will be on water. Ke upar hoga. But Ukraine and Russia ke issue ko dekh ke lag raha hai ki pehle hi third world war ho jayega. So what can be
the solution, one step was taken to resolve the Teesta water dispute was 2011's draft agreement, है ना. तो उसमें भी draft agreement हुआ था. तो it is not still, there is the draft, it is not been publicized, अभी public नहीं है, domain, public domain में नहीं आया है. So we don't have the necessary data from that, but keep reading the newspapers and the current affairs so that you can have the idea what is going to happen. है ना, एक base तो बना ही दिया हमने. So what are the India's argument, हम लोग क्यों, what are the India's argument why we are not giving the 50% to Bangladesh, कि because we are the bigger country, तो हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत होगी, of course, है ना, जब ज़्यादा ज़रूरत होगी तो. And the catchment area is any area where the river basin is the catchment area. तो catchment area वहीं पर जहाँ से river निकल रही है, okay, if it's falling from Sikkim, okay, Sikkim से लेकर, if we go and then it goes to Bengal, है ना, then goes to Bangladesh, है ना, तो this area is called the catchment area where all the tributaries and the distributaries of a river are located. So that is called as catchment area and it largely falls within India. And Bangladesh is already receiving its share. So that is the reason, but still let's see what happens. And what can be the way forward? Way forward is 1983 agreement should be strictly implemented till now. तो 1983 में जो अग्रीमेंट था, इट शुड बी एटलीस्ट इतना तो इम्प्लीमेंट करिए, 36% दीजिए, 39% रखिए, एंड और जो रेस्ट एलोकेटेड है उसका भी थोड़ा सा देखिए कि कैसे हो सकता है, क्योंकि वो वेस्ट ही जा रहा है, एंड इट हैज़ टू बी एलोकेटेड जुडिशियसली. देन देर इज 2011 ड्राफ्ट अग्रीमेंट, देर शुड बी अ पॉलिटिकल कंसेंसस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. 2011 के अग्रीमेंट में इट्स स्टिल ड्राफ्ट बिकॉज द वेस्ट बंगाल अग्रीमेंट, जब ज़्यादा शेयर हम देने लगते हैं तो हमारे वेस्ट बंगाल वालों को दिक्कत हो जाती है, और ज़्यादा शेयर जब नहीं देते हैं तो बांग्लादेश को दिक्कत हो जाती है, तो करें क्या. तो दैट इज़ द इशू, देयर शुड बी पॉलिटिकल कंसेंसस, एक बीच का रास्ता अपनाया जाए, है ना. एंड सिंस वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो स्टेट का भी इसमें काफ़ी रोल होता है, है ना. सो द थर्ड वे फॉरवर्ड कैन बी दैट वेस्ट बंगाल सजेस्ट एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ शेयरिंग द वाटर्स क्लोज टू द बॉर्डर्स, ओके, जो बॉर्डर्स के पास हैं उनको, और उनके जैसे तोरसा हो गया, मनसाई हो गया, दीज आर रिवर्स क्लोज टू द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. तो यूज़ देम, यूटिलाइज देम, सो दैट जो इसका जो डेफिसिट है वो, जिसका जो डेफिसिट है वो इन छोटी छोटी रिवर्स के थ्रू कंप्लीट हो जाए, ओके. एंड सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एड्रेसिंग सप्लाई, एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एड्रेसिंग इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ वाटर टू बांग्लादेश कैन बी इंजीनियरिंग सोल्यूशंस लाइक स्टोरेज ऑफ रेन वाटर टू बी मेड अवेलेबल इन लीन सीजन्स, वही एक्वीफर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग विच वी स्टडी इन एग्रीकल्चर टू कंजर्व वाटर. सो दीज मैथड्स शुड बी फॉलोड एवरीवेयर, नॉट इवन, नॉट नेसेसरली इन ओनली बांग्लादेश, एवरीवेयर इन एवरी स्टेट इन एवरी सिटी इट शुड बी फॉलोड बिकॉज इट इज़ अ गुड इकोलॉजिकल प्रैक्टिस एंड इट विल हेल्प इन बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर. डाइवर्सीफाई क्रॉप्स, डाइवर्सीफाई करिए, जूट और पैडी ही उगाते रहेंगे तो वाटर की बहुत जल्दी कमी हो जाएगी बिकॉज दीज आर वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स. हमारे यूपी में भी इफ वी से अबाउट द शुगर केन कल्टिवेशन, इट इज़ ऑल्सो द वाटर इंटेंसिव क्रॉप. सो दीज आर द थिंग्स, एंड ड्रिप इरीगेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन, ये तो बहुत पुराना घिसा पिटा हो गया, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन शुड बी अडोप्टेड टू कंजर्व वाटर टू रिड्यूस दी वाटर वेस्टेज. तो ये हर कोई पॉइंट डालेगा, ट्राई टू इवॉल्व न्यू पॉइंट्स, ये आप कर दीजिए थोड़ा बेटर हो जाएगा, पॉइंट आपका सबका अलग, सबसे अलग हो जाएगा, है ना. और एट लास्ट, फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द पीपल टू पीपल टाइज एंड कम्युनिटी इंट्रैक्शन, सिविल सोसाइटी नेगोशिएशंस, एंड देर शुड बी विलेज विजिट्स, है ना. आप जैसे हार्ट्स बना दीजिए, मार्केट हार्ट, जैसे हमारा इंडिया एंड म्यांमार के बीच में है. सो देर इज, देर आर हार्ट्स, हार्ट्स आर लाइक मार्केट्स ऑफ इंडिया एंड मार्केट्स ऑफ बांग्लादेश. तो आप इधर से इधर चले जाइए, इधर से इधर चले, नो बॉर्डर, नो वीज़ा, वीज़ा वगैरह रिक्वायर्ड है. एंड सो विलेज विजिट्स आप ऑर्गेनाइज करिए इसी टाइप के, है ना. तो रिलेशंस बढ़ेंगी. इकोनॉमिक रिलेशंस देख लेते हैं. इकोनॉमिक रिलेशंस में वी आर दी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया, जो बांग्लादेश का है वो इंडिया ही है, है ना. और दिस इज सिक्स्थ लार्जेस्ट ओवरऑल, एंड ट्रेड इन 2019 क्रॉस्ड 10 बिलियन, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवर्स इंडिया. तो उसको दिक्कत होती है जब बैलेंस, जब फेवर हमारे करेगा तो बांग्लादेश को दिक्कत होगी, जब उनको फेवर करेगा तो इंडिया को दिक्कत होगी. तो दीज आर नॉट दी जीरो सम गेम्स, है ना कहीं डिस्प्यूट होगा. तो वी आर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर दी लेस कन्फ्लिक्ट, जहाँ पर सबसे कम कन्फ्लिक्ट हो जाए वहीं पर वी विल स्टॉप. देन दी थर्ड विल बी ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द गुड्स फ्रॉम बांग्लादेश. वी हैव गिवन द ड्यूटी फ्री एक्सेस टू गुड्स फ्रॉम बांग्लादेश अंडर दी साफ्टा.
SAFTA is a South Asia Free Trade Agreement, okay? Free Trade Area, my mistake, area, it's an area, not agreement, but agreement भी आप समझ सकते हैं, but this is the agreement which was done with Bangladesh. तो मतलब अपने वी प्रोवाइड दी ड्यूटी फ्री एक्सेस. ड्यूटी फ्री का मतलब है कि वहाँ के जो एक्सपोर्ट्स होंगे बांग्लादेश के, तो वी विल नॉट चार्ज एनी टैरिफ और हम लोग उस पर चार्जेस नहीं लगाएंगे, सो दैट उनके जो गुड्स हैं वो हमारे इंडिया में आ जाएं और आसानी से हमारे मार्केट को एक्सेस कर सकें, है ना. तो एक्सेस कर सकेंगे तो उनकी जो पोटेंशियल अर्निंग्स होंगी वो बढ़ जाएंगी. सो वी प्रोवाइड दिस एक्सेस टू ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द गुड्स फ्रॉम बांग्लादेश, है ना. और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि दो तीन साल के विद इन की न्यूज़ है कि वी हैव बांग्लादेश वॉज अर्लियर द लीस्ट डेवलपिंग कंट्री बट नाउ इट हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम लीस्ट डेवलपिंग कंट्री टू द डेवलपिंग कंट्री, है ना. तो ये एक पुरानी न्यूज़ है, बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट इट यू कैन रेफर टू दिस दैट इट इज़ डिसाइडेड बाई यू एन कमेटी ऑन डेवलपमेंट पॉलिसी, है ना. एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि कौन LDC है, कौन डेवलपिंग है, कौन डेवलप्ड है. याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक डिसाइड करती है कि इनकम कंट्री कौन सी होगी, लो इनकम कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री, हाई इनकम कंट्री. दिस इज डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, ओके. डोंट गेट कंफ्यूज, अगर प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन डिसाइड करता है, तो इट इज़ यूनाइटेड नेशन, इट विल बी एनफ. आप यूनाइटेड नेशन भी याद रख लेंगे तो इट विल बी एनफ, ओके. वर्ल्ड बैंक नहीं करना है इसमें, वर्ल्ड बैंक इनकम से रिलेटेड है, बट दिस लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग नेशन एंड डेवलप्ड नेशंस. This categorization is done by United Nations Committee on Development Policy. Okay, so three criterias are there. No need to remember, just see. Income is there, human capital is there, economic vulnerability is there. Nobody will ask you this. And in South Asia, we have only one remaining country, which is the least development country, which is the least developed country, that and that is Maldives. Okay, so remember that if you can. एंड यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, इन केस ऑफ स्मॉलर कंट्रीज वी टॉक अबाउट द ट्रेड एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड इन केस ऑफ बिगर कंट्रीज वी टॉक अबाउट ट्रेड एंड FDI. ठीक है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी FDI हम लोग स्मॉलर कंट्रीज से ले ही नहीं सकते, बिकॉज हम लोग को वहाँ पर इन्वेस्ट करना है, उल्टा इन्वेस्ट हमें नहीं चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक रिलेशंस. एंड इन स्कोप्स एंड अपॉर्चुनिटीज वी कैन सी दैट वी हैव द स्कोप ऑफ ट्रेडिंग विच कैन मल्टीप्लाई इंटू 4, है ना. जैसे अभी 10 बिलियन का ट्रेड है, तो वी हैव पोटेंशियल ऑफ क्रॉसिंग दी 40 बिलियन, है ना. अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये स्कोप है हमारा. एंड बांग्लादेश वुड लाइक लेस ट्रेड डेफिसिट, जो एज आई हैव टोल्ड यू, कोई भी ट्रेड डेफिसिट पसंद नहीं करता है हमारा. जैसे वी हैव द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर, कौन, नॉट चाइना, रिमेंबर चाइना नहीं है, USA है, है ना. एंड विथ इट वी हैव फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. So this is a very beautiful thing for India, but Bangladesh would like कि उसका trade deficit कम हो and increase exports to Indian markets, और नहीं तो with China. मतलब अगर वो trade deficit कम नहीं करेगा तो China के साथ वो it will start colluding with the Chinese market. उससे क्या होगा कि we will start having less trade and it will divert to चाइना. तो वी डोंट वॉन्ट दैट, है ना. तो इंडियन मार्केट को एक्सेस दीजिए, बांग्लादेश को ट्रेड डेफिसिट कम करके करने की कोशिश करिए, है ना. हालांकि चाइना के साथ अगर बांग्लादेश ज़्यादा ट्रेड करने भी लगेगा तब भी उसका ट्रेड डेफिसिट इस हमारे इंडिया के साथ जितना है उससे ज़्यादा ही बढ़ जाएगा. तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर बांग्लादेश ओनली. सो एंड वी, एज आई कैन से, दिस इज़ द बॉर्डर हार्ट, एज आई टोल्ड यू, बॉर्डर हार्ट्स कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. This is कमला सागर एंड तारापुर बॉर्डर हार्ट, इफ यू वॉन्ट टू गिव एग्जाम्पल. देखो ये बांग्लादेश के साइड के हैं, सॉरी, ये बांग्लादेश के साइड के हैं, यहाँ से इंडिया के साइड के हैं. सो वी ओपन द डोर्स एंड वी कैन ट्रेड. इससे ट्रेड भी बढ़ेगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, एंड द इकोनॉमिक रिलेशंस एज वेल एज ओवरऑल रिलेशंस विल इम्प्रूव. तो वे फॉरवर्ड इकोनॉमिक रिलेशंस में क्या हो सकता है कि फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी विच रिड्यूसेस द टर्न आउट टाइम दैट इज द जेस्टेशन टाइम, दैट इज द जितनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा उतनी जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा. ऑफ कोर्स दैट इज़ द कॉमन सेंस, है ना. एंड ICPs आर द इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स विच वेयर द वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज आर लोकेटेड अंडर वन रूफ, लाइक कस्टम्स, पुलिस, हेल्थ एंड सैनिटेशन क्लियरेंसेज. तो अगर हम एक ही जगह, अभी हम जैसे बॉर्डर पार करते हैं, वी ट्राई टू, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो देर इज़ अ टॉल, है ना, उससे पहले ऑक्ट्रॉय होता था. तो दीज वर द थिंग्स, मैनी पुलिस भी अलग लगी हुई है, एंड इंश्योरेंस का अलग लगा हुआ है, एंड फास्टैग का अलग लगा हुआ है,
ना, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है ये सब चीज़ें, बट इफ़ वी आर एबल टू सेटल दीज थिंग अंडर वन रूफ, तो एक ही जगह से सारे क्लियरेंसेस मिल जाएंगे, अलग अलग जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा, तो लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी हमारी इम्प्रूव होगी, है ना। सो दीज आर द इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट, इंटीग्रेटेड है सारे, है ना, एवरीथिंग एवरी फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज इंटीग्रेटेड, इट इज़ रन बाय द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। So we can see that this is the Petrapol and Benabol is the largest ICP. ये भी recent news है, 2-3 साल की news है। Petrapol and Benabol is the largest integrated checkpoints between India and Bangladesh. And another example can be Akhola and Agartala integrated checkpoint. Okay. So what other things we can do? We can promote programs like Border Heart, and this is specific to Bangladesh. Okay. This is very specific to Bangladesh, but we are trying to improve with the Myanmar also. क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे रिलेशन्स है, सो इतना वी और बाकी इन रिलेटिव टू अदर नेशंस वी हैव लेस प्रोपेंसिटी ऑफ रिफ्यूजी इन्फ्लेक्स फ्रॉम दी बांग्लादेश। अब म्यांमार के साथ अगर बॉर्डर हार्ट खोल देंगे या फिर पाकिस्तान, इमेजिन ओपनिंग दी बॉर्डर हार्ट विथ पाकिस्तान, जस्ट इमेजिन, सो यू कैन अंडरस्टैंड दी हैवक इट विल क्रिएट। And this is the transit trade. What can be transit trade is any trade. जैसे हमें एक point A है and this is B point. Okay, and we have to transfer from A to B point. So बीच में हम लोग एक fueling के लिए या फिर एक बीच में country के लिए, यहाँ पर petrol ख़त्म हो गया airplane का या फिर ship के लिए settlement के लिए कुछ चाहिए, तो बीच में हम लोग रोक देते हैं। तो India can be a point in the middle, in the mid path, जो Bangladesh से सामान जाएगा, अगर उसको पाकिस्तान पहुंचाना है या फिर वेस्ट एशिया पहुंचाना है या फिर नॉर्थ एशिया, दी चाइना, तिब्बत एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के पास पहुंचाना है, तो वी कैन बिकम अ गुड ट्रांजिट पार्टनर फॉर इट। बांग्लादेश कैन गेन एक्सेस टू थर्ड कंट्री वाई इंडिया एंड वाइस वर्सा, बोथ दैट, है ना, बांग्लादेश कैन बिकम दी मिडिल कंट्री फॉर इंडिया ऑल्सो। एंड दी नेक्स्ट पॉइंट कैन बी प्रोमोटिंग स्पेशल वीज़ाज़ फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, है ना, स्पेशल वीज़ाज़ आप दीजिए बिजनेस कम्युनिटी के लिए, थोड़ा to promote a business to business ties, and a business to business ties. I hope you remember this is the tier 2 diplomacy. Tier 2 diplomacy वो होती है जो जहाँ पर government नहीं बल्कि unofficial level पे लोग meet करते हैं. So B2B business to business is one of the example of tier 2 diplomacy. And banking linkages, है ना, banking linkages आप बढ़ाओ, that is also like business community का ही एक point है. And need to sign a new trade agreement to address the changing circumstances, because we have this Bangladesh country has graduated, improved from least developing country to developing country. Remember that. So because of this, we have to sign the new trade agreement. अब नई चीज़ें हो गई, नए trade agreement हो गया, developing हो गया, तो उतना उसको concession नहीं चाहिए होगा. So try to find a balance. हम लोग trade में concession कम कर सकते हैं और hydro diplomacy में concession बढ़ा सकते हैं. So this can be a better solution. ओके, कनेक्टिविटी में क्या हो सकता है कि इट इज़ दी मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ एनी रिलेशन, कनेक्टिविटी जो स्पेशली बॉर्डर्स जिसके साथ हम शेयर करते हैं, अगर उनके साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाए तो बहुत अच्छे तरीके से एकदम जंप होगा हमारे रिलेशंस में. तो ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन ये सब हुआ है, तो हाउ कैन वाई कांट दी साउथ एशिया रीजन कैन इंटीग्रेट वाई इटी बाय द कनेक्टिविटी, हम लोग क्यों नहीं इंटीग्रेट हो सकते, हम लोग क्यों नहीं यूनिफाई हो सकते. तो दैट इज़ दी आर्ग्यूमेंट विच इज़ डन बाय वेरियस एक्सपर्ट्स एंड वी कॉल दैट एज अखंड भारत, है ना, अखंड भारत बना दो, जो हमारा पुराना भारत था, एंड इट वाज दी अखंड भारत विच इंक्लूडेड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, एवरी वन वॉज इंक्लूडेड इन दी अखंड भारत और दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो दैट इज़ दी आर्ग्यूमेंट. आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन इन न्यूर फ्यूचर, बट स्टिल this can be a very good idea. Then we look at the question that connectivity holds the key to the future of India-Bangladesh relation. How can this be a key? Explain with diverse examples. तो वही स्वर्ण अध्याय चल रहा है हम लोग का. We can give this introduction. The first point can be geographical contiguity potential. We have the geographical contiguity continuously. हम लोग geography we have continuous geography with Bangladesh. In the form of land boundary and maritime boundary, as I have told you before, okay. So trade and transit, easier access to the northeast, and the act improvement in the act east policy,
सो दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ द ज्योग्राफी के इन तीन चीज़ों में हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वाया कनेक्टिविटी. एंड कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट. एज आई टोल्ड यू कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा तो जो उनके मोंगला पोर्ट है एंड चिट्टागोंग पोर्ट है इट विल बी उनका भी डेवलपमेंट होगा बिकॉज जब यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे तो यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे और लोग आएंगे टू सेल दोज प्रोडक्ट्स टू हेल्प एक्सपोर्ट द इंडिया नॉर्थ ईस्ट प्रोडक्ट्स. सो दिस कैन बी अ गुड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव. एंड वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश स्टैंड टू गेन फ्रॉम एनहेंसिंग कनेक्टिविटी इंक्रीजिंग द 10% रियल इनकम इन इंडिया. और ज़्यादा फ़ायदा तो बांग्लादेश का होगा, है ना, 15% रियल इनकम इन बांग्लादेश. लेकिन मतलब दिस इज़ परसेंटेज वाइज इफ वी टॉक अबाउट लाइक अगर रियल इनकम बांग्लादेश की वैसे भी कम है. सो अगर 100 रुपये 100 रुपीज़ इज़ द रियल इनकम ऑफ बांग्लादेश तो फ्रॉम 100 इट विल बिकम 115. बट इन इंडिया वी हैव दी हायर रियल इनकम सो वी हैव 1000 तो वी विल बिकम वन इट विल बी 1100. तो मतलब 15 रुपये यहाँ बढ़ेंगे और 100 रुपीज़ यहाँ बढ़ेंगे. तो दैट इज़ अ थिंग विद दी डेवलप्ड नेशंस और दी मोर डेवलपिंग नेशंस. तभी USA का और वेस्ट का देख लो आप तो इनका जो GDP ग्रोथ होती है 1% या 2% के बीच ही में रहती है. तो बिकॉज वो अपने सैचुरेटेड पॉइंट में पहुँच गए लेकिन उनके लिए 1% से 2% भी इट्स वेरी वेरी huge for them. And as I told you with the example ki 15 rupees idhar bada 100 idhar bada despite percentage being bigger in Bangladesh. So this is the thing. In railways what we can do, we have already I have told you Akhoda Agartala rail link and the integrated checkpoint bhi hai. Ye Chilhatti Haldibari is the recent project which is being developed by India and Bangladesh together. And jo already ek passenger services hum log ke beech mein chali rahi hai, that is Maitri Bandhan Mitali. So these three points you can quote as example in the connectivity in the railway subsection. That Maitri that is Maitri Divas hum log celebrate karte to aise yaad kar sakte hain. Bandhan Express and Mitali Express is also being run between India and Bangladesh and these two is being developed. Road mein bus service bada dijiye Kolkata Dhaka se ya Shillong Dhaka se so that देयर कैन बी अगर जो जो टेरेन है जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ को पास करने के लिए रेलवे इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर सो रोड भी वहाँ पर काम आएंगे. सो बस सर्विस स्टार्ट कर लीजिए. एंड देयर कैन बी इनलैंड वाटरवेज कैन बी पोटेंशियल ऑफ द इनलैंड वाटरवेज. एज आई टोल्ड यू बिफोर नेशनल वाटरवे 1 दैट इज़ गंगा टू हल्दिया. यहाँ पर गंगा विलास जो लार्जेस्ट क्रूज शिप चली थी इंडिया की तो दैट वॉज हैपनिंग इन नेशनल वाटरवे नंबर 1. और नेशनल वाटरवे नंबर 2 भी दैट ऑल्सो गोज थ्रू दी बांग्लादेश वाटरवेज एंड नेशनल वाटरवे 16 इज ऑल्सो इन ऑन द बैराक रिवर. तो इन जो भी वाटर के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये 6th से पढ़ते आ रहे हैं यार, मतलब 6th, 7th, 8th हर जो क्लास में लिखा रहता है कि शिप इज़ द लीस्ट और द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स स्पेशली गुड्स. सो वी हैव पोर्ट्स लाइक आशुगंज ऑफ बांग्लादेश है ना, एंड वी हैव पोर्ट्स लाइक मोंगला एंड चिट्टागोंग एंड आशुगंज. सो वी डेवलप दैट पोर्ट्स को यूज़ करें. देन देयर इज अग्रीमेंट टू इंक्रीज द कोस्टल शिपिंग इन 2016. बांग्लादेश हैज़ ऑफर्ड टू पोर्ट्स दैट आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. ट्रांसमिशन जैसे इलेक्ट्रिसिटी की होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इफ देर इज़ वाटर एंड वी आर डेवलपिंग दी इलेक्ट्रिसिटी. हमारे भूटान के साथ ऐसा है, भूटान वी हेल्प भूटान टू डेवलप देयर मल्टी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स. ओके, तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो वी अलाउ भूटान टू एक्सपोर्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया. इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी उसका भी डेवलपमेंट होगा, हमारा भी डेवलपमेंट होगा. तो दैट इज़ द विन विन सिचुएशन. तो ऐसे ही हम लोग बांग्लादेश के साथ भी कर रहे हैं, लाइक बहरामपुर एंड भेरामारा ट्रांसमिशन लाइन. एंड दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर मेकिंग अ रीजनल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट. जो सार्क एरिया है और बेटर बिम्स्टेक एरिया है, वी कैन मेक इंटीग्रेटेड ग्रिड, है ना. तो एक ग्रिड बन जाएगा तो जहाँ पर सरप्लस है वो दे विल बी एबल टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग दो सरप्लस. एंड जहाँ डेफिसिट है वहाँ पर ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी की कमी कम हो जाएगी. एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फ्यूलिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनीथिंग. कुछ भी आज से मोबाइल से लेकर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब चीज़ बैटरी पर चलती है, सब चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है. तो ट्रांसमिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
and the pipeline agreement is also there, that is Siliguri and the Parbatipur agreement. BBIN Motor Vehicle Act, okay, Bhutan, Bangladesh, India, Nepal, it is also an agreement. Abhi Bhutan ne sign kara hua hai, but it has not ratified yet. So this is not yet operational, but this is going to be a very fruitful thing for the connectivity subsection. So isme kya hai, jo rules hain transportation ke wo ekdam uniform hai. So but it should be linked with the IMT Trilateral Asia Highway, na, India, Myanmar, Thailand. To matlab hum log pura ek regional integration ki taraf ja rahe hain, जैसे हम लोग का, जैसे यूरोपियन यूनियन है ना, तो दैट इज़ वेरी रीजनली इंटीग्रेटेड. आसियान हो गया, दीज आर वेरी रीजनली इंटीग्रेटेड एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द रीजनल इंटीग्रेशन. उनका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उनकी जो ट्रेड है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, सो दैट आर बेनिफिटिंग दी कंट्रीज इन दीज रीजनल एरियाज. तो ऐसे हम भी चाह रहे कि हम भी ऐसे बन जाएँ. तो वी विल लिंक द BBN मोटर व्हीकल अग्रीमेंट और द हाईवे विच आर बींग डेवलप्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट with the IMT Trilateral Asia Way and Kaladan Multimodal Project. ये म्यांमार के साथ हो गया, ये भी म्यांमार और थाईलैंड के साथ हो गया. तो सब जोड़ दीजिए, जितना जुड़ जाएगा. तो आप देखते हैं कि अगर एक जगह जाने के अगर दो रास्ते होंगे तो इट इज़ बेटर ऑलवेज, वी कैन प्रेफर रूट फ्रॉम हेयर और हेयर. ओके, तो दोनों तरफ से कभी ये ख़राब हो जाएगा तो वी कैन एक्सेस देयर. यहाँ पर जब काम चल रहा होगा तो तब तक यहाँ पर, यहाँ से कर लीजिए, तो कभी काम रुकेगा नहीं. तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द मल्टीपल कनेक्शंस. वे फॉरवर्ड इन कनेक्टिविटी क्या हो सकते हैं कि इंप्लीमेंट करिए जो भी डिलेड हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, है ना, और रीजनल प्रोजेक्ट्स को लिंक करिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया. कंट्रीज से पार्टनर करिए, जैसे जापान हो गया और रशिया हो गया, जैसे रशिया के साथ हम लोग रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं बांग्लादेश में. एंड एक्सप्लोर दी पॉसिबिलिटी ऑफ गैस पाइपलाइन, है ना, जो गैस पाइपलाइन भी एक बनाने की कोशिश करिए, जिससे कि वही सप्लाई डिमांड मिसमैच कम हो जाए और वी बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन ऑयल सप्लाईज फ्राम रशिया एंड दी ऑयल सप्लाई फ्राम दी रशिया एंड दी गल्फ रीजन, है ना. तो वहाँ से डिपेंडेंस ख़त्म करिए, तो गैस पाइपलाइन बनाइए एक. तो अनदर कंसर्न्स कैन बी दी स्ट्रेटेजिक कंसर्न ऑल्सो. ओके, स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्या है? स्ट्रेटेजिक वी कॉल टू एनी दैट इशू विच हैव दी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव फॉर नेशनल इंटरेस्ट. जो भी लंबे समय तक जो भी उस चीज़ को इफेक्ट करेगा वो स्ट्रेटेजिक कहलाएगा, है ना. स्ट्रेटेजी हम लोग सोचते हैं, स्ट्रेटेजी जैसे हम लोग चेस खेलने होंगे तो वी थिंक ऑफ दिस स्ट्रेटेजी फार अहेड, कि हाँ इसको हम घोड़े को इधर चलेंगे तो इट विल हैपन दैट एंड देन इट विल हैपन दैट देन वी विल बी एबल टू चेकमेट दैट पर्सन. तो दैट इज स्ट्रेटेजिक थिंग. तो इसमें रीजनल कंसर्न्स हैं. रीजनल कंसर्न्स क्या हैं? ऑफकोर्स द चाइना फैक्टर इज देयर. हर पड़ोसी के साथ चाइना, हर पड़ोसी में चाइना एक्सेप्ट भूटान, चाइना इज़ इंटरफेयरिंग विद द एवरी neighborhood country. And there is developmental assistance from China in Bangladesh. Largest trading partner of Bangladesh is China. All over, this is all over. In South Asia it is India, but this is all over the trading partner, which is the China. And Bangladesh is second largest buyer of defense equipment after Pakistan from China. And China do logo ko sabse zyada defense equipment bhejta hai, first is Pakistan of course, and the second one is Bangladesh. And all except Bhutan have endorsed the BRI, na, BRI jo Belt and Road Initiative hai, Belt and Road Initiative that has been endorsed by the all the neighborhood countries except Bhutan. To ye bhi ek sovereignty pe question hai, and this is a very huge concern ki why are you endorsing a thing which is going to अफेक्ट अ सोवरेनिटी ऑफ एनी नेशन. हम लोग किसी सोवरेनिटी को, किसी भी नेशन की, उनकी सोवरेनिटी की, उनकी, उनके एरिया को अगर अफेक्ट कर रही है तो वी नेवर एंडोज दैट थिंग. एटलीस्ट वी विल रिमेन न्यूट्रल, है ना. जैसे रशिया यूक्रेन में कुछ भी वॉर्स हो रहे हैं तो हम लोग वी आर मेंटेनिंग दी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. कुछ भी अगर दोनों में कुछ होता है तो वी ट्राई टू प्रपोजल्स इन UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है तो वी मेंटेन दी न्यूट्रल पोजिशन. दैट इज़ द बेस्ट पोजिशन इंडिया कैन टेक. ये हमारा पूरा ट्रेडिशन है नॉन अलाइन मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था. तो ऑल जो हमारे नेबर्स हैं अगर ये चीज़ सीख लें तो ये भी चीज़ अच्छी हो जाएगी इंडिया और बाकी नेशन के रिलेशन के साथ. तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ये इंक्रीजिंग, वाई द प्रेजेंस ऑफ चाइना इज़ इंक्रीजिंग हेयर? तो चाइना में डील करेंगे वो हम लोग इंडिया चाइना रिलेशन में, बट चाइना वॉन्ट्स टू डोमिनेट एशिया, है ना. तो जब एशिया को डोमिनेट करेगा तो जाके ग्लोबल पावर बन जाएगा, एंड वी नो
China and USA are at war with each other by hook or by crook, proxy wars हो रहे हैं, trade wars हो रहे हैं. So it wants to become the global power, है ना. USA और USSR पहले थे, now USA and China. China is becoming the next USSR, or at least trying to be. So that is the thing in regional concern, and there is the bilateral engagement that is the in the field of defense and security cooperation. Okay, so India provided, हमने क्या किया, हमने 5,000 million dollars का line of credit provide किया कि defense आप procure करो, हमारे से defense करो. But still second largest defense buyer of China is Bangladesh. And the naval exercise corporate and army exercise Sampriti, I told you this should be held regularly so that we can build trust and we can enhance the multi or the interoperability of each other. Hum log ek dusre ke operations, hum log ek dusre ke nitty-gritties, technical issues samajh sake. Regular dialogues hone chahiye between the border security force and the counterparts, aur har kisi ka dialogue hi hona chahiye. Common threats like terrorism and radicalization, है ना, जैसे उसको बोला जा रहा है कि टेररिज्म इज, जैसे अलकायदा हैज़ स्टार्टेड इट्स प्रेजेंस, इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन साउथ एशिया, है ना. एंड देर इज स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ इन बांग्लादेश. फॉर एग्जांपल देर इज हुजीबी इज द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन बांग्लादेश विच इज़ एंटी इंडिया. देर शुड बी मैरीटाइम सिक्योरिटी, है ना. पायरेसी होती है, पायरेसी का मतलब है जो पायरेट्स, जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन हम लोगों ने मूवी देखी थी, तो उसमें क्या करते हैं, लूटते ही एक दूसरे को. तो और जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं उनको हर्ट होता है, एंड दे डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी, दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन लूटिंग फ्रॉम दी अदर लूटर्स. सो यही होता है, बट इफेक्ट्स द कोलेटरल डैमेज इज़ वेरी ह्यूज इन दिस एस्पेक्ट, स्पेशली शिप्स, स्पेशली द सी द मैरीटाइम इकोसिस्टम इज़ अफेक्टेड, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी इज़ अफेक्टेड. सो पायरेसी शुड बी एंडेड, एंड ऑफकोर्स देर इज अ गोल्डन ट्राइंगल देयर. So we should have the this is the concern, है ना. तो वहाँ से भी हम लोग को मैनेज करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें. तो वे फॉरवर्ड कैन बी दैट गिवन द कॉमनलिटी ऑफ द डिफेंस एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस डिमांड्स द नीड ऑफ साइनिंग कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अग्रीमेंट. ये मैंने पहले भी बताया था कि कॉम्प्रिहेंसिव एक डिफेंस अग्रीमेंट करिए. एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश बिकॉज चाइना इज़ ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग, है ना. तो हम भी पॉसिबिलिटी देखें, हम लोग भी डिफेंस मॉडर्न है, तभी हम लोग डिफेंस इंडिजनाइजेशन कर रहे हैं, इंडिजनाइजेशन. ओके, सो वी आर डूइंग दैट सो दैट वी कैन प्रमोट डिफेंस इक्विपमेंट्स, पहले अपने लिए भी कर लें और जब हमारे पास सरप्लस हो जाए तो हम लोग बाकी कंट्रीज को भी सप्लाई कर सकें. एंड थर्डली वी लीवरेज द एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी एंड कल्चर, है ना. कनेक्टिविटी के लिए चाइना डजंट शेयर बॉर्डर, सो वी डू सो वी शुड हैव दी बेटर एडवांटेज, है ना. तो इसको यूज़ करिए. एंड वहाँ पर हम जानते हैं कि मैंडरिन नहीं बोली जाती है, वहाँ पर बांग्लादेशी, वहाँ पर बंगला बोली जाती है, वहाँ पर हिंदी बोली जाती है. सो ये चीज़ हमारे कल्चरल टाइज हैं, है ना. तो हमारे साथ ऑफकोर्स एक नेचुरल एफिनिटी होगी, तो उसका फ़ायदा उठाया जाए. फ़ायदा क्या मतलब, उसका लीवरेज किया जाए, उसको उसका एडवांटेज अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए. फ़ायदा उठाया जाए तो ऐसा लग रहा है कि गलत चीज़ काम करने के लिए, बट वी लीवरेज दीज थिंग्स. ओके, कमेमोरेटिंग दी 50 years, है ना. हमने 50 years बताया था 1971 से बाद जो 2021 में हुआ था, तो दैट वाज द गोल्डन चैप्टर्स. हमने स्टैम्प्स इशू किए गए थे, एंड मुक्ति योद्धाज इंडिया के साइड के थे वैन इन 1971 वी वर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द बांग्लादेश. तो मुक्ति बहानी वहाँ के बांग्लादेश की फोर्सेज थी, एंड मुक्ति योद्धाज वर दी वर इंडियन आर्मी वर कॉल्ड दी मुक्ति योद्धाज एक्चुअली. हाइड्रो डिप्लोमेसी में एज आई टोल्ड यू दिस इज एक्चुअली अ समरी ऑफ ऑल वी हैव डन दी वे फॉरवर्ड, जो मैंने हम लोगों ने पहले वे फॉरवर्ड डिस्कस करे थे उसी का एक शॉर्ट कंक्लूजन है कि एक तिपाईमुख प्रोजेक्ट है जो बराक रिवर जो मणिपुर से निकल रही है, दैट हैज़ टू बी एक उसको कंप्लीट करिए जल्द से जल्द, एंड द गेंजेस अग्रीमेंट विल एक्सपायर इन 2026. तो उसको भी आप देखिए कि हाउ वी कैन रिन्यू दैट विद द न्यू स्टेटस ऑफ बांग्लादेश एज द डेवलपिंग कंट्री, है ना. वो भी रिन्यू करिए, है ना. इमिग्रेशन में टू स्टॉप द इमिग्रेशन और टू मैनेज द इमिग्रेशन वी कैन से दैट इलीगल इमिग्रेशन से क्या क्या होता है, सोशल इशूज़ होते हैं, है ना. जनरली अब जब इलीगल होगा तो जनरली दे आर गोइंग टू स्टे देयर फॉर एवर,
है ना, उसकी वजह से देयर विल बी कॉम्पिटिशन बिटवीन फॉर द रिसोर्सेज, कुछ ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वहाँ पर, ज़्यादा लोग आ जाएंगे बाहर के, और वो भी बाहर के लोग हैं एंड दीज आर इलीगली स्टेइंग देयर, सो सिक्योरिटी भी इफेक्ट होगी, देयर विल बी डिफिकल्ट टू ट्रैक एंड दे विल बी ससेप्टेबल टू रेडिकलाइजेशन. सो देयर विल बी इंटरनल सिक्योरिटी इशूज एज वेल बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन, स्पेशली इलीगल इमिग्रेशन, है ना. और अगर लीगल होगा तो अच्छा ही होगा, इट विल इंक्रीज दी पीपल टू पीपल टाई, फॉरेक्स इंक्रीज होगा हमारा, बिकॉज दी बांग्लादेश कंट्री इज कमिंग एंड स्पेंडिंग इन बांग्लादेश करेंसी. हालांकि फॉरेक्स उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव हो गई, बिकॉज बांग्लादेश करेंसी इज हैविंग दी लेस वैल्यू दैन इंडियन रुपी, तो फॉरेक्स स्टिल इट विल इंक्रीज. देन डिफ्यूजन ऑफ कल्चर एंड कैन बी ट्रैक्ड, है ना, जो हम लोगों ने इलीगल में देखा ट्रैक नहीं कर सकते, वापस चला गया कोई क्राइम क्रिमिनल तो वी कैन नॉट ट्रैक, बट इन लीगल वी कैन ट्रैक, है ना. सो वी हैव द पुश एंड पुल फैक्टर फॉर इमिग्रेशन, एंड पुल फैक्टर इज द मेजर रीजन फॉर द इमिग्रेशन, है ना. इंडिया हैज़ द बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सो दैट द पीपल फ्रॉम द म्यांमार, पीपल फ्रॉम बांग्लादेश कम टू इंडिया, ओके. तो फॉर दैट वी कैन हैव द इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए वी कैन हैव द डबल ट्रिपल डी अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल डी अप्रोच वी कैन से एज द वे और द स्टेप फॉरवर्ड फॉर द दिस इमिग्रेशन इशू, इलीगल इमिग्रेशन इशू. पहले तो डिटेक्ट करिए, फर्स्ट डिटेक्ट दैम, देन डिलीट दैम फ्रॉम द वोटर्स लिस्ट. अब ये आ जाते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक इशू की जगह पॉलिटिकल इशू भी हो जाता है ना. सो आई कैन ऐड हियर फॉर माई सेल्फ ऑल्सो that there will be political issue also, there will be political issue, फालतू के वोटर्स बाहर के आ जाएंगे, है ना. तो देर इज सम हैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो इन दिस की इंक्रीजिंग द वोटर्स, वोट बैंक बढ़ाना है तो उन लोग को बुला लाओ और उन लोग को एटलीस्ट डिपोर्ट मत करो. तो वी डिटेक्ट फर्स्ट देन डिलीट देन डिपोर्ट, है ना. पहले डिटेक्ट करिए उनको, फिर हटाइए, फिर उनको वापस भेज दीजिए. तो ये क्रम होना चाहिए, दिस शुड बी द क्रोनोलॉजी. एंड इशू वर्क परमिट्स फॉर मैनेजिंग द माइग्रेशन, आप वर्क परमिट्स इशू करिए कुछ 2 साल में और 5 साल के लिए, है ना. तो मोर पीपल विल बी, अब इलीगली कोई नहीं स्टे करना चाहता, अगर वही चीज़ अगर वो लीगली काम करने लगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश एंड द पीपल ऑफ बांग्लादेश एज वेल. सो एंड देन इंसेंटिवाइज द रजिस्ट्रेशन इंसेंटिवाइज करिए, वर्क परमिट्स ऑफर करिए, और NRC को आप, ये तो डिबेटेबल इशू है, इसको तो बाद में देखेंगे हम लोग, बट एटलीस्ट ये सब करिए कि वी रजिस्टर देम, वी ऑफर देम वर्क परमिट्स, ओके. सो ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स आर नॉट नेसेसरली टेररिस्ट एंड दे कैन बी इलिटरेट ऑल्सो, है ना. तो इंसेंटिवाइज रजिस्ट्रेशन को कराइए, हो सकता है वो ऐसे ही आ गए, देखा देखिए आ गए, उनके बच्चे आ गए, बच्चे आके उनके बड़े हो गए, तो एटलीस्ट उनको इंसेंटिवाइज करिए, उनको अवेयर करिए कि हाँ ठीक है, यहाँ पर एक दुकान है, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आप स्टैंप लगाइए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको कार्ड और वर्क परमिट आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा. सो इट विल बी ईजी फॉर इंडिया टू टैकल द क्रिमिनल, द इंसर्जेंसी, द रेडिकलाइजेशन एज वेल. सो दीज आर द थिंग, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक ऑफ इंडिया बांग्लादेश. कीप एडिंग द करेंट अफेयर्स पॉइंट्स, एंड there is a link there I have given from the India Today to know the issue of CAA NRC. you can just type in Google and search there and you will get various news, and we will discuss in this in the polity section. But that's all for India Bangladesh. Next we will be taking the India Bhutan or the India Nepal. We will be doing that in 1 session or 2 session, okay. So that's it, thank you.